नमस्कार, मैं संदीप रेचानसिस, कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज आपको बताऊंगा व्हाट इज शेयर अमंगस्ट हैंडलर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है एफएमसीजी इंडस्ट्री में, जो हर बड़े कंपनीज को फॉलो करते हैं। बेसिस दैट दे टेक अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स अबाउट इट। नंबर वन, मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज शेयर अमंगस्ट हैंडलर्स, एंड दूसरा मैं डिस्कस करूंगा शेयर अमंगस्ट हैंडलर एंड वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके हाउ यू कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, उसको आप चेक कर लीजिएगा। सो यूजिंग बोथ, हाउ कैन यू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो ये दो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। बट बिफोर दैट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलेगा, सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन ऑन टाइम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थ्रू एन इलस्ट्रेशन। तो देखिए, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में 5 आउटलेट का डेटा दिया गया है और हर आउटलेट के लिए 2 डेटा दिया गया है। नंबर 1 डेटा है हमारा सोप का कितना सेल है उस दुकान में। सपोज वी आर सोप मैन्युफैक्चरर, वी आर सेलिंग सोप, तो हमारा सोप का ब्रांड है स्किल टू विल। तो स्किल टू विल सोप का कितना सेल है, आउटलेट नंबर 1 है। और टोटल इंडस्ट्री, मतलब सारे जितने भी सोप वो बेचता है, उस सबका मिला के कितना सेल है, मतलब 20,000 का टोटल सोप सेल करता है वो, हमारा 5,000 करता है। ऐसे ही हर एक आउटलेट का डेटा दिया गया है। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें 2 आउटलेट में हम लोग प्रेजेंट नहीं है। आउटलेट नंबर 2 एंड आउटलेट नंबर 5 में हम लोग प्रेजेंट नहीं है। ओके, अभी हम लोग शेयर अमंगस्ट हैंडलर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर अमंगस्ट हैंडलर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी विल एड द सेल, हमारा जो सेल है इन दुकानों से जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट है। आउटलेट नंबर 1 में हमारा सेल है 5,000, 3 में 4,000, 3 में 4,000 एंड 4 में 3,500। तो ये जो टोटल सेल हुआ, ये हमारा सेल है इन 3 आउटलेट में जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, हम लोग डिवाइड करेंगे इंडस्ट्री सेल से, उन दुकानों का इंडस्ट्री सेल जहां पे हम लोग प्रेजेंट। आउटलेट नंबर 1 का इंडस्ट्री सेल क्या है, 20,000। आउटलेट नंबर 3 का इंडस्ट्री सेल क्या है, 10,000। ये जो ग्रीन में हाईलाइट किया गया है, सो दैट इज द इंडस्ट्री सेल। सो हमारा सेल डिवाइडेड बाय द इंडस्ट्री सेल उन दुकानों से जहां पे हम लोग प्रेजेंट है, गिव्स अस द शेयर अमंगस्ट हैंडलर्स, विच इज इन दिस पर्टिकुलर केस 25%। अभी हम लोग समझते हैं कि इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, शेयर अमंगस्ट हैंडलर्स को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दूसरा इलस्ट्रेशन में आप देखिए, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आउटलेट नंबर 1 में जहाँ पे हमारा सेल 5,000 था, वो हमने इंक्रीज करके 10,000 कर दिया। आउटलेट नंबर 4 में जहाँ पे हमारा सेल 3,500 था, उसको हमने इंक्रीज करके 8,000 कर दिया है। सो अभी हमारा शेयर अमंगस्ट हैंडलर क्या हो गया, शेयर अमंगस्ट हैंडलर हो गया 10,000, 4,000, 8,000, इसको हम ऐड करेंगे जहाँ पे वेयर वी आर प्रेजेंट उसका सेल, डिवाइडेड बाय द इंडस्ट्री सेल इन दोज आउटलेट। तो देखिए यहाँ पे हमारा शेयर अमंगस्ट हैंडलर जो है बढ़ के हो गया 44% जस्ट बाय इंक्रीजिंग द सेल इन दोज आउटलेट्स वेयर वी आर प्रेजेंट। अभी एक चीज़ इसमें आप ध्यान दीजिए, हमने अपना सेल बढ़ाया लेकिन टोटल इंडस्ट्री का सेल नहीं बढ़ा। हमने अपना सेल बढ़ाया लेकिन टोटल इंडस्ट्री का सेल नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कंपटीशन से कुछ सेल ले लिया है, तो हमने अपना शेयर उस पर्टिकुलर दुकान में बढ़ा लिया है। जैसे कि पहला दुकान में पहले हमारा शेयर था 25%, उसको बढ़ा के हमने 50% कर दिया। आउटलेट नंबर 4 में 18% था पहले काउंटर शेयर, उसको इंक्रीज करके 40% कर दिया। क्योंकि हमने शेयर लिया तो इसीलिए हमारा शेयर अमंगस्ट हैंडलर्स बढ़ गया, क्योंकि हमने काउंटर शेयर बढ़ा लिया है। सपोज आउटलेट नंबर 1 में जहाँ पे 20,000 इंडस्ट्री का सेल था, वो 20,000 से बढ़ के 40,000 हो जाता, हमारा 10,000 हो गया और इंडस्ट्री का सेल भी 40,000 हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब हमारा सेल बढ़ा लेकिन इंडस्ट्री का सेल क्योंकि बढ़ गया, हमारा काउंटर शेयर तो सेम ही रह गया ना, 25% रह गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा शेयर अमंगस्ट हैंडलर्स नहीं बढ़ा, हमारा सेल बढ़ने के बावजूद भी नहीं बढ़ा। तो शेयर अमंगस्ट हैंडलर का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अपना जो सेल है उस पर्टिकुलर काउंटर में बढ़ाए, बट ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो शेयर है,
शेयर है उस काउंटर में वो भी बढ़े, तभी हमारा शेयर अमंगस्ट हैंडल बढ़ सकता है। दूसरा चीज मैंने जो आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, दैट इज हाउ शेयर अमंगस्ट हैंडलर और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके हाउ कैन वी टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब देखिए वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है उस जिसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। नाउ सी इफ द वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज हाई, मतलब वी आर प्रेजेंट इन द लार्ज आउटलेट। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि वेदर वी आर प्रेजेंट इन द लार्ज आउटलेट्स और नॉट। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हाई है, हाउ वी आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द लार्ज आउटलेट्स, बट हमारा शेयर अमंगस्ट हैंडलर इज लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू सेल इन मोर। हम तो लार्ज आउटलेट पे पहुंच गए हैं बट हमारा उस पर्टिकुलर आउटलेट में वॉल्यूम स्टॉक वेट कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए वी हैव टू डिज़ाइन सर्टेन स्कीम्स फॉर द लार्ज आउटलेट्स, है ना, फॉर द लार्ज आउटलेट वी हैव टू डिज़ाइन सर्टेन स्कीम्स। तो ये हो गया अगर वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, शेयर अमंगस्ट हैंडलर्स कम है। तो ये दोनों डेटा को यूज़ करके यू कैन डिज़ाइन स्कीम्स एंड आइडेंटिफाई व्हेन यू शुड डिज़ाइन स्कीम फॉर द लार्ज आउटलेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।